अक्षय कुमार कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई थी। फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब ये लक्ष्मी हमारे घर आए, लेकिन अब इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। और यकीन मानिए, आप इस फिल्म को एक बार देखने के बाद दोबारा इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिल्म में ट्रांसजेंडर बने अक्षय कुमार के अलावा और कुछ खास नहीं है। फिल्म की कहानी बेहद तीखी है और उससे भी ज्यादा कमजोर है इसका म्यूजिक। अगर आपने इस फिल्म का तमिल वर्जन कंचना देखी है तो आप हर सेकंड बस अपने आप को कोसेंगे कि क्यों आखिर आपने इस फिल्म का इंतजार किया। फिल्म की कहानी की बात करते हैं, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन बिना बात किए बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो बात यह है कि फिल्म की कहानी में बिल्कुल दम नहीं। फिल्म में आसिफ यानी अक्षय कुमार भूत प्रेत को भगाने का बिजनेस करते हैं, यानी अंधविश्वास के खिलाफ एक संस्था चलाते हैं। आसिफ ने कियारा यानी रश्मि से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली है। अब उनका अगला काम सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करना है, तो वो पहुंच जाते हैं बीवी के मायके। यहाँ बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से ट्रांसजेंडर लक्ष्मी की आत्मा आसिफ को लग जाती है। फिर वही पूजा पाठ तंत्र विद्या से भूत भगाने की कोशिश और अंत में उन आत्माओं को न्याय भी मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ जस्टिस कब होगा माय लॉर्ड, क्योंकि डायरेक्टर इसी कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने में फेल हो जाते हैं। अगर आपने ओरिजिनल फिल्म कंचना देखी है तो आप समझ पाएंगे कि अक्षय कुमार ने असली किरदार को कॉपी किया है, जो ये उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने बेशक वैसे ही हाव भाव और नाज नखरा लाने की कोशिश की है, लेकिन ये कुछ जमा नहीं। वहीं फिल्म की कहानी भागती है एक सीन से दूसरा सीन, यहाँ कहानी के साथ कनेक्शन बिठाना मुश्किल टास्क हो जाता है। फिल्म के हॉरर सीन के बीच किसे बुर्ज खलीफा देखने में इंटरेस्ट है भाई, लेकिन अक्षय कुमार आपको इसी हॉरर सीन में बुर्ज खलीफा दिखाने अपने सपनों में ले जाएंगे। मतलब सपने में कियारा का सपना पूरा किया जाएगा और ये देखने के बाद आपका सपना टूट जाएगा। वैसे ये सीन आप स्किप करके भी देख सकते हैं और यकीन मानिए आप कुछ बड़ा मिस नहीं कर रहे। एक्टर्स की परफॉर्मेंस कुछ जगह आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगले ही पल आप इनकी ओवर एक्टिंग पकड़ लेंगे। अब अश्विनी कलसेकर और आयशा रजा मिश्रा के ही सीन ले लीजिए, दोनों कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन में उनके हाव भाव देखकर आप समझ जाएंगे कि थोड़ी ज़्यादा एक्टिंग हो गई है। शरद कलसेकर किन्नर लक्ष्मी की असली भूमिका में है। शरद छोटे सीन में नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया है। प्राची शाह पहली बार नेगेटिव किरदार निभाते हुए दिखेंगी। राजेश शर्मा मनुऋषि चड्डा का काम ठीक ठाक लगेगा। वहीं कियारा आडवाणी कुछ खास करने के लिए फिल्म में नहीं थी। उन्हें एक सीन में इमोशनल होता देख आप अपना सर पकड़ लेंगे, और अगर आप थिएटर में बैठे होते तो ये सीन देखकर आप थिएटर छोड़कर भाग खड़े होते। अक्षय की परफॉर्मेंस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, खुद देखिए और फैसला कीजिए। हाँ, फिल्म की शुरुआत में कुछ हॉरर सीन आपको जरूर इंप्रेस करेंगे। कुछ सीन एकदम नए हैं और उन्हें देखकर आप सच में डर जाएंगे। बाकी पूरी फिल्म की बात की जाए तो डायरेक्शन, म्यूजिक, कहानी और परफॉर्मेंस में कमियां नजर आएंगी। वैसे तो राघव लॉरेंस अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसके ओरिजिनल वर्जन कंचना का डायरेक्शन और फिल्म में लीड रोल प्ले किया था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन बनाने में राघव फेल हो गए हैं। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, उम्मीद है कि वो आगे इससे कुछ अच्छा अपनी ऑडियंस के आगे परोसेंगे। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स।